हेलो बच्चों, तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बायोलॉजी की सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, पादप कार्य की प्रथम। यह यूनिट है बोर्ड एग्जाम के अंदर 9 नंबर की आती है। बॉटनी के अंदर सबसे अधिक मार्क्स की यही यूनिट है, जिसके अंदर 5 से लेकर के 9 नंबर तक चैप्टर आते हैं। तो आज अपन है 5th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेसन। 5th लेसन है वो है अपना प्लांट वाटर रिलेशन या पादप जल संबंध, कि पादप का है वो जल के साथ में किस प्रकार का संबंध होता है, किस प्रकार से जल का अवशोषण किया जाता है पादप कोशिकाओं के द्वारा, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है डिफ्यूजन या विसरण, कि विसरण किसे कहते हैं। देखिए, विसरण जब किसी पदार्थ के अणुओं का अपने अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है तो इसे विसरण कहते हैं। यानी जो विसरण की क्रिया होती है वो क्या है कि किसी भी पदार्थ के अंदर क्या होता है कि पदार्थ के अणु की जो सांद्रता होती है, सांद्रता के अंदर अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर जो गमन की क्रिया होती है उसे ही अपन विसरण कहते हैं। सेकंड नंबर स्वतंत्र विसरण, कि स्वतंत्र विसरण किसे कहते हैं। किसी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थों का विसरण अन्य पदार्थ की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना स्वयं की सांद्रता पर निर्भर होता है, इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं। जैसे पादपों से O2, CO2 व जल वाष्प का विसरण एक दूसरे पदार्थों के अणुओं की उपस्थिति और सांद्रता से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि वातावरण में उपस्थित उस पदार्थ विशेष के अणुओं की सांद्रता से प्रभावित होता है। यानी कि स्वतंत्र विसरण है उसका अर्थ है कि पदार्थ के जो अणु होते हैं वो केवल अपने पदार्थ के अणुओं से ही प्रभावित होते हैं, न कि दूसरे पदार्थ के अणुओं से प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि जैसे वायुमंडल के अंदर O2 और CO2 गैस की मात्रा है, तो O2 है वो 0.003% सॉरी CO2 है वो 0.03% और O2 है वो 21% पाई जाती है, 20.8% पाई जाती है, 21% के अंदर ही आती है, 21% पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यदि O2 की मात्रा वायुमंडल के अंदर बढ़ेगी तभी यह विसरण की क्रिया है वो प्रभावित होगी, न कि CO2 की मात्रा से। इसलिए बताया गया कि स्वतंत्र विसरण के अंदर पदार्थ के अणुओं की सांद्रता यदि कम अधिक होती है तो उसी पदार्थ के ऊपर यह डिपेंड करती है। फिर आता है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि विसरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे आता है अपना टेम्परेचर या तापमान। अब देखिए, विसरण को तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है। विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है, अर्थात ताप बढ़ने के साथ साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से विसरण की दर भी बढ़ती है। अब देखिए, जो तापमान है, किसी भी पदार्थ को यदि अपन ताप देंगे तो उसके विसरण की जो दर होती है वो अधिक हो जाती है। इसके बाद आता है अपना सेकंड नंबर पे आती है डेंसिटी या घनत्व है। सेकंड नंबर पे अपनी डेंसिटी घनत्व है, कि घनत्व है वो विसरण की दर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए, विसरण की दर विस्तृत होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात पदार्थ के अणुओं का आकार बढ़ने पर विसरण की दर कम हो जाती है।
यानी कि घनत्व है उसके अंदर क्या है कि पदार्थ के जो कण होंगे उनका आकार बढ़ेगा तो विसरण की दर कम हो जाएगी, और यदि पदार्थ के अणुओं का आकार कम रहेगा तो विसरण की दर अधिक होती है। घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती 1/ पदार्थ के अणुओं का घनत्व का अंडर रूट, विसरण की दर अनुक्रमानुपाती सॉरी व्युत्क्रमानुपाती 1/ अंडर रूट विस्तृत अणुओं का आकार। थर्ड नंबर पे आता है अपना प्रेशर या दाब, कि दाब है वो भी विसरण की दर को प्रभावित करता है। विसरण की दर दाब के समानुपाती होती है। किसी पदार्थ के अणुओं की गति सदैव अधिक विसरण दाब वाले क्षेत्र से कम विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर होती है, यानी विसरण की दर है वो प्रेशर के समानुपाती होती है। पदार्थ के अणुओं की जो गति होती है वो हमेशा अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर होती है। फोर्थ नंबर पे आता है मीडियम या माध्यम। सघन माध्यम से विसरण की दर कम जबकि विरल माध्यम में यह दर अधिक होती है। सघन माध्यम क्या होता है कि सघन माध्यम के अंदर जो अणु के पदार्थ के जो कण होते हैं वो अधिक होते हैं, इसलिए सघन माध्यम के अंदर पदार्थ के विसरण की दर है वो कम रहेगी, और विरल माध्यम के अंदर पदार्थ के कण है वो दूर दूर होते हैं इसलिए उसके अंदर विसरण की दर अधिक होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन या विसरण का महत्व, कि विसरण का क्या महत्व है। देखिए प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के दौरान पादपों एवं वायुमंडल के बीच गैसें O2 व CO2 का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, तो जो O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है वो विसरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। सेकंड है वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादपों से वायुमंडल में जल वाष्प का विसर्जन विसरण द्वारा होता है। यानी कि पादप जो जल का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं तो उस अतिरिक्त जल की मात्रा होती है पादपों के अंदर, वो वायुमंडल के अंदर जल वाष्प के रूप में विसर्जन की जाती है, और वह मात्रा है वो विसरण की क्रिया के द्वारा ही होती है। सेकंड खनिज लवणों का निश्चेष्ट अवशोषण आंशिक रूप से विसरण द्वारा होता है। पृथ्वी से जो खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं वो खनिज लवण है वो पादपों के द्वारा जो खनिज लवण है वो विसरण की क्रिया के द्वारा ही जड़ों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। लास्ट पौधों में खाद्य पदार्थों के सहवन पत्तियों से जड़ों तक में विसरण सहायक है। अब पौधों के अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ है वो पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, तो पत्तियों से जड़ों तक है वो फ्लोएम के द्वारा है, वो विसरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। लास्ट टॉपिक आता है अपना परमेबिलिटी या पारगम्यता। कोई भी पदार्थ जिस दर से किसी भी झिल्ली द्वारा विसरित होता है उस विसरण दर को झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। यानी कोई भी झिल्ली है उस झिल्ली के द्वारा कोई पदार्थ यदि एक निश्चित दर के द्वारा विसरित होता है तो जो दर होती है उसी दर को अपन विसरण की जो दर होती है उसी दर को झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। लास्ट आता अपना पारगम्य। ऐसी झिल्ली या परत जिसमें से विलेय एवं विलायक दोनों के अणु पार हो सकते हैं तो उसे पारगम्य कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा कोशिका भित्ति। अब पारगम्य के अंदर क्या होता है, विलेय और विलायक, विलायक जिसके अंदर अपन कोई भी पदार्थ घोल सकते हैं तो वो तो हो जाएगा अपना विलायक। विलेय और विलायक दोनों के अणु यदि किसी झिल्ली के अंदर से आर पार हो सकते हैं तो उसे अपन कहते हैं पारगम्य, और इसका एग्जाम्पल अपना सेल वाल या कोशिका भित्ति।
सेकंड अपना अर्धपारगम्य, ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक के अणु पार हो सकते हैं, विलेय के अणु के लिए पूर्णतः अपारगम्य होती है, तो उसे अर्धपारगम्य कहते हैं। अर्धपारगम्य का अर्थ है कि उसके अंदर से विलायक के अणु तो पार हो सकते हैं लेकिन विलेय के अणु पार नहीं हो सकते, तो उसे अपन अर्धपारगम्य कहते हैं। जैसे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए आगे आ गया, ये चयनात्मक पारगम्य, ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलायक जल के अणु तथा कुछ विलेय के अणु ही आर पार जा सकते हैं, अर्थात यह झिल्ली विलायक के लिए अधिक पारगम्य तथा विलेय के लिए अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है, इसे चयनात्मक पारगम्य या विभेदात्मक पारगम्य या अकलनीय पारगम्य कहते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मा झिल्ली, इसके बारे में अपन ने 11 क्लास में विस्तार से पढ़ा है। यानी कि जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है वो विलायक जल के अणु विलायक के अणु तो आसानी से पार हो सकते हैं लेकिन विलेय के अणु को वह चयन करके ही पार होने देती है, इसलिए उसे अपन विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली, अवकलनीय पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपनी प्लाज्मा झिल्ली। फिर आता है अपना अपारगम्य, ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलेय एवं विलायक दोनों ही आर पार नहीं हो सकते हैं, उसे अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब यानी अपारगम्य के अंदर ऐसी झिल्ली हो जाएगी जिसके अंदर से न विलेय के अणु और ना ही विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, तो उसे अपन अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम्य व चयनात्मक पारगम्य दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य भी होती है और चयनात्मक झिल्ली भी होती है, तो ये दोनों के अंदर एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं। कल अपन करेंगे ऑस्मोसिस या परासरण।